हे भगवान, मैं चाहता था हूँ कुछ बड़ा करना, मैं चाहता था हूँ कुछ बड़ा बनना। ये नौकरों वाला काम मुझे नहीं जमता, सबके सामने झुकना मुझे नहीं मंगता। मैं नहीं बनना चाहता इस भेड़ चाल का हिस्सा, मैं नहीं बनना चाहता इनकी कहानी का एक छोटा सा किस्सा। लेकिन मैं क्या करूँ, ये लोग कहते हैं कि मैं कुछ अलग नहीं कर पाऊँगा, कुछ बड़ा करना मेरे मतलब की बात नहीं है, क्योंकि मैं मोटा हूँ ना, मैं काला हूँ ना, मेरी हाइट कम है ना, सिर्फ इसीलिए। नहीं नहीं दोस्त, तू ऐसा क्यों सोचता है? अपने आप को उजाले की जगह इस अंधेरे में क्यों खोजता है? देख, सफलता नहीं देखती कि तू मोटा है, काला है, कैसा है। सबूत है मेरे पास, इन्हें देख, ध्यान से देख, इनका साइज, लुक, सब देख। देख इन्हें, कौन नहीं जानता इन्हें, किसने इन्हें नहीं देखा। हाँ, बात बस इतनी सी है कि हम इन कुत्तों के भौंकने पर ध्यान देते हैं, कुत्ते के भौंकने पर कभी ध्यान नहीं देते। ये तो तुमने इस दुनियादारी में रहकर सीख ही लिया होगा, है ना? तो जस्ट इग्नोर द पीपल अराउंड यू, उन्हें बस इग्नोर करो, और सिर्फ इग्नोर करो। अब तुम किन्हीं लोगों से भिड़ जाओ ना, तो उन्हें साफ साफ कह देना कि ऐ दुनिया वालों, हर बार तुम मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करते हो ना, क्योंकि मेरे साथ खड़े होने की तुम्हारी औकात नहीं है। अब मैं आगे बढ़ूंगा और बढ़ता रहूंगा, और तुम देख देख बस भौंकोगे, मुझे देख देख बस भौंकोगे, क्योंकि मुझे काटना तुम्हारे बस की बात नहीं है। देख यार, अगर तुझे लगता है कि तेरे सपने को पूरा करने के लिए तुझे चेंज होना पड़ेगा, तो इसमें बुराई क्या है? सिर्फ तू ही अपने आप को बदल सकता है, सिर्फ तू ही अपने आप को चेंज कर सकता है। मैं दोबारा कहती हूँ कि डोंट नीड एनीबडी टू हेल्प, सो बी विद यू, तेरा साथ तेरे साथ है, सो चेंज योरसेल्फ। लेकिन इससे पहले तुझे अपनी सोच बदलनी होगी और खुद को याद दिलाना होगा कि मैं ऐसा नहीं कि अपने आप को बदल लूँ किसी गैर के लिए या किसी अपने के लिए। मैं ऐसा नहीं कि अपने आप को बदल लूँ किसी गैर के लिए या किसी अपने के लिए। ये जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ ना, ये कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने सपने के लिए। वैसे ये इतना आसान नहीं होगा, तुझे अपने आप को बदलना है, यानी खुद से लड़ना है, अपने आप को जिताना है, अपने आप को हराना है, अपने नए वर्जन की तरफ बढ़ते चले जाना है। रास्ते में इतनी हार मिलेगी, इतना दुख मिलेगा, जीवन का सबसे बुरा समय तू देख चुका होगा, तू जिंदगी की सारी चुनौतियां पार कर चुका होगा, अब बस वो बचा होगा जो तेरे लिए सबसे विशेष है। और क्या यार, अब बस जीत ही शेष है। जब तुझे रियलाइज होगा कि तेरा हर जख्म जिंदगी पर थप्पड़ और बुरी किस्मत पर वार है, जब तू देखेगा कि वक्त को भी तुझे सक्सेस का ताज पहनाने का इंतजार है, पर अभी नहीं तो कभी नहीं, इसलिए गेट स्टार्टेड नाउ। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बी सक्सेसफुल in advance.